आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। जन्मदिन पर पार्टी देना और पार्टी मनाना किसे पसंद नहीं है, परंतु समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्मदिन की पार्टी में पैसा खर्च करने के बजाय सेवा कार्य करते हुए अपने जन्मदिन को सार्थक तरीके से मनाते हैं। ऐसे ही एक समाज सेवी सेवाभावी LIC के मुख्य बीमा सलाहकार हैं गिरिराज गुप्ता। पिछले 32 वर्षों से LIC से जुड़े श्री गुप्ता का बुधवार 8 सितंबर को 57वां जन्मदिवस था। हाल ही में इंदौर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा नवाचार करते हुए यातायात जागरूकता के उद्देश्य से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि वे अपने जन्मदिन एनिवर्सरी या खास दिन पर ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल कर समाज साथियों एवं अन्य लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूकता का संदेश दें, जिससे लोग यातायात के नियमों के प्रति सजग रहने के साथ ही जिम्मेदारी से उसका पालन भी करें। इसके लिए यातायात पुलिस पूर्व में रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही ट्रैफिक संभालने वाले व्यक्ति एवं परिवार को 15 मिनट के लिए खास ट्रेनिंग देती है। श्री गुप्ता ने भी अपने परिजनों एवं LIC के साथियों के साथ पहले ट्रेनिंग की और उसके बाद इंदौर में महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष रिगल तिराहे पर ट्रैफिक संभाला। यहाँ पर यातायात पुलिस के एडिशनल SP अनिल कुमार पाटीदार सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरान गुप्ता ने केक काटकर सभी का मुंह मीठा कराया और इंदौर ट्रैफिक पुलिस के नवाचार की प्रशंसा करते हुए अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने की बात कही। इस मौके पर एडिशनल SP यातायात अनिल कुमार पाटीदार ने शहरवासियों से जागरूकता के साथ यातायात नियमों का पालन करने एवं शहर में कहीं भी यातायात जाम की स्थिति में यातायात को व्यवस्थित करने में योगदान देने की अपील की। जन्मदिन पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के बाद श्री गिरिराज गुप्ता अपने साथियों के साथ MY हॉस्पिटल परिसर पहुंचे और यहां पर उद्यान में हरियाली और ऑक्सीजन की उपलब्धता में योगदान देने के लिए नीम वृक्ष का पौधा लगाकर इसका सतत ध्यान रखने का संकल्प लिया। श्री गुप्ता ने यहां पर जरूरतमंद लोगों को फल फ्रूट एवं फुटपाथ पर रहने वाले जरूरतमंद लोगों को वस्त्र भी वितरित किए। इस प्रकार सेवा कार्य करते हुए गिरिराज गुप्ता ने अपने जन्मदिन को सार्थक एवं प्रेरणादायी अंदाज में मनाया। इस अवसर पर श्री गुप्ता के साथ आदित्य गुप्ता, नीलेश गुप्ता, मुकेश शर्मा, सुषमा नोटियाल, रीना तंवर, पूजा बिलोनिया, महेश मेड़तवाल, मनोज गुप्ता खुजनेरी, मयंक कसेरा एवं नेहा पालीवाल ने भी सेवा कार्यों में अपना सहयोग दिया। जाने के लिए एक नई बैल की गई है, किस प्रकार का लोगों में इसको देखकर सुधार मिल गया आएगा और आगे किस प्रकार की प्लानिंग की जा रही है? हमने यातायात सुधार के लिए एक नया नवाचार किया है ताकि इंदौर की जनता में ट्रैफिक सेंस को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए हमने आप एक परिवार के साथ अपना कोई भी विशेष दिन हो, जन्मदिन है, शादी के मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी तरह का विशेष दिन है,
वो ट्रैफिक पुलिस के साथ आकर मनाइए और यातायात संभालिए। ये जब परिवार हमको रजिस्टर्ड होता है तो यहाँ आने के बाद हम 15 मिनट ट्रेनिंग सेशन करते हैं, उनको समझाते हैं कि क्या क्या नियम है और किस तरह आपको पालन करवाना है और आप भविष्य में भी किस तरह के नियमों का पालन करेंगे। तो ये एक हमने नवाचार शुरू किया है और इसको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हमारे साथ अब काफ़ी परिवार जुड़ रहे हैं, रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। ये लगता है कि आगे चल के सफल होगा और इंदौर की जनता इस अभियान से जुड़ेगी। ये तो सर एक प्रेरणा हो गई। इसके अलावा जो लोग लाल बत्ती का उल्लंघन करते हैं उन लोगों के लिए भी आपने एक घोषणा की कि उन लोगों को भी ट्रैफिक संभालना पड़ेगा, इसको किस तरह से देखते हैं? हमने एक ये भी शुरू किया है कि यदि कोई नियम तोड़ता है यातायात का और वो चालान बनाने में रोक ये कहता है कि सर मैं ये हूँ या नहीं बनवाता है, तो हम उसको जैकेट पहनवा के 40 मिनट से एक घंटे के बीच में वह भी यातायात व्यवस्था को संभालता है हमारे ट्रैफिक जवान और अधिकारी के साथ। इस तरह भी वो एक नया अनुभव प्राप्त करता है और बहुत सारे लोगों का कहा है हमको या इस तरह से फीडबैक मिले हैं कि सर हम जिंदगी भर अब यातायात के नियमों का पालन करेंगे और एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करेंगे। यह इंदौर के लिए एक संपत्ति है कि यदि हम कितने भी लोग हमसे इस तरह से सुधरें और कहें कि जिंदगी भर हम यातायात का नियमों का पालन करेंगे, इसी तरह धीरे धीरे जनता में ट्रैफिक सेंस बढ़ेगा और एक बेहतर इंदौर की ओर हम बढ़ेंगे। आज मेरा जन्मदिन है और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि ट्रैफिक पुलिस ने जो अभियान चालू किया ये कृतज्ञ है हम इंदौरवासी के। ट्रैफिक पुलिस के दिमाग में ऐसा एक अभियान आया और इससे शहर की जनता जागरूक होगी। मुझे लगा, मैं बेसब्री से जब से घोषणा हुई तब से इंतजार कर रहा था कब मेरा बर्थडे आए और कब मैं ट्रैफिक संभालते हुए मनाऊँ और कुछ सेवाभावी के कार्य भी करूँ। आज वृक्षारोपण का भी मेरा इसके बाद काम है, कुछ गरीबों को फल फ्रूट वितरण का भी मैं MY अस्पताल जाके करूँगा और आज सर के सानिध्य में SP साहब, TI साहब और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मेरे लिए केक काटा गया, ये बड़ा एक बहुत सौभाग्य की बात है। और जिस तरह से इंदौर हर क्षेत्र में नए नए कार्यकर्ता आया है, नए नए आयाम इंदौर का पूरे देश में परचम लहराता है, आज इंदौर शहर ट्रैफिक पुलिस के कारण भी हमारा इंदौर वापस एक नई ऊंचाई छुएगा। मेरी समझ से, मेरे को जहां तक ध्यान है, ये पहला प्रयास इंदौर ट्रैफिक पुलिस का है कि जिन्होंने ये एक अभियान चलाया इसकी प्रेरणा लेके सारे देश के दूसरे जिले भी इससे सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे और निश्चित रूप से इसमें आज मैंने ये शपथ ली है और मेरे साथ मेरे LIC की टीम है। मैं LIC में पिछले 32 सालों से काम करता हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है और मेरे परिवार के लोग हैं। हम सब ने शपथ ली है कि आज से हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, कभी भी लाल बत्ती को क्रॉस नहीं करेंगे और ट्रैफिक में हमेशा सहयोग प्रदान करेंगे। और इसी तरह से मेरा नाम गिरिराज गुप्ता, LIC में मुख्य बीमा सलाहकार के पद पे हूँ। कौन सा वर्ष आपका जन्मदिन का? मेरा 57वां वर्ष कंप्लीट हो रहा है आज मेरे जन्मदिन का और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इंदौर ट्रैफिक पुलिस के कारण ये अवसर आज मुझे मिला है। मैं धन्य महसूस करता हूँ अपने आप को। हमने आज पहले रीगल चौराहे पर ट्रैफिक संभाला, ट्रैफिक संभालने के बाद हम MY आए, यहाँ हमने नीम का पौधा लगाया जिससे कि हरियाली फैले और साथ ही फ्रूट्स वितरण किए और आज मेरा जन्मदिन है। 57वां गिरिराज गुप्ता, LIC की पूरी टीम मेरे साथ है। धन्यवाद।